तो बहुत देर लग जाएगी। तो अभी 6 बज रहे हैं, तो जब तक रोजे का टाइम है तब तक ये हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का रमजान के 5th डे में। तो गाइस मैं दोपहर में उठी हूँ और मुझे उठने के लिए थोड़ी देर हो गई है। तो वैसे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस चावल चढ़ाना था। तो मेरे को अम्मी आवाज़ दी है जल्दी और मैं उठ गई। अम्मी तहज्जुद के लिए उठी थी, पता नहीं आज ऐसा नींद लग गई फट और मुझे अलार्म भी समझ नहीं आया। तो मैं उठी हूँ और चावल चढ़ाया मैंने, अभी रोटी बनाऊँगी। और स्टोरेज प्रॉब्लम फिर से मेरे फ़ोन में हो रहा है, तो ज़्यादा मैं वीडियो लूँगी पर कल, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस मुझे उसमें से डिलीट करने हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल शब्बीर। थैंक यू। हे गाइस, अभी हम लोग मतलब बाहर जा रहे हैं तरकारी लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बज चुके हैं और हमारा सब काम भी हो चुका है। थोड़ा बहुत मेरा काम है, हमारी बोर में पानी नहीं आ रहा गाइस, क्या करना, हमारी जो बोर है उसमें पानी नहीं आ रहा। अभी हमारा काम बहुत रुक जा रहा, कपड़े वगैरह धोना रुक जा रहा हमारे, क्या करे। क्या भी नको करो, मोटा देती है आपको, दे रूँ मैं वो काम। क्या बोले, मोटर है नहीं जी, मोटर को उंगली डाल के फिराओ। ये काम आज से आपका है, चारने देती हूँ। चारने देती हूँ, डाल देना हाँ, महीने को चारने तनख्वाह तुम्हारी आज से। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर तरकारी लाने के लिए, जा रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं बाहर जाकर। बच्चे सुनेंगे तो आने की जिद करेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं। डैड की तैयारी भी करना है, सो स्पेशल रेसिपी है तो आप लोग स्किप मत कीजिए। गुंगी की भाषा बहरे समझते हैं, गुंगी की भाषा क्या बात है। तैयार वैयार होकर जा रहे मार्केट को, दुल्हन आ रही क्या तुम्हारी, शब्बीर की दुल्हन, शब्बीर की महक निकाल देना, शब्बीर की दुल्हन रख देना, सबको इजी आ जाता नाम लेने। नहीं गाइस जल्दी जल्दी दुआ कीजिए ना कि मैं मतलब अपने घर का मतलब रूम का रेनोवेट जल्दी करूं। आप लोग साथ दे, आप लोग सपोर्ट करें तो जल्दी हो जाएगा। तुम अकेले जाके ला लो ना। हाँ अकेले नहीं होता मेरे से, नहीं होता मेरे से सब कुछ हैंडल करना, आपके बिना हम अधूरे हैं सभी। नहीं 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 चलो चलो जल्दी चलो, उठो 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 ना। साइनस मैं साइनस हूँ का, मैं साइनस हूँ तुम्हारा, जाओ ना जी गाड़ी आती है चला लेते। भटके पंछी उठ जाना, नींद नहीं अपना ठिकाना। जाओ जी जाओ। अरे क्या कर रहे, पूरी बेडशीट निकाल दे रही है, देखो बेडशीट की हालत, बेडशीट की हालत देखो। उठो उठो, पेटलू पेटलू उठो, धूप में जाना, अब कितनी धूप है, मारो तुम्हारे टावल यहीं छे, वो बेडशीट अभी मैं झटकी अभी साफ करी, अब फिर चेंज भी करना है मेरे को बेडशीट। उठो आप उठो, तुम कितने भी बात करो आप, वैसे 7 इयर्स का हुए तो मेरा बर्थडे है ना, तो आप बोलना, मैं बोलती हूं अनम के साथ रह तुम ना वे का अपन कार ले लेते नहीं जा। हां हां तो पहले सोच ले क्या कार में कटिंग करेंगे बोल लिया। अच्छा ठीक नहीं, और वैसे गाइस आज अनम की बर्थडे है तो सब लोग अनम, अरे को कुछ भी, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा वो बोल ले निकालूंगा। अच्छा ठीक है जाओ करेंगे। तो गाइस आज हमारे अनम का बर्थडे है जो रोज मना रहे हम लंगा रोज मना रहे। आप लोग गिफ्ट देना भूलना नहीं गाइस, किसी भी तरह आप गिफ्ट लेकर ही मतलब कमेंट्स में गिफ्ट जरूर देना हमारे अनम के लिए। तो हमारे अनम का रोज है बर्थडे, पर मुझे एक ही डेट याद है गाइस, सो पता नहीं वो रोज हम उसका बर्थडे मना रहे, तरबूज और तरबूज कट कर रहे, तरबूज खा रहे। तो हमारे अनम का पसंदीदा फ्रूट है तरबूज, वाटरमेलन, तो वो बहुत पसंद से खाती है इसलिए वही कट कर रही रोज़ बर्थडे के टाइम पे।
तो वो रोज सेलिब्रेट कर रही, आज हम उसका बर्थडे मनाएंगे व्लॉग में, तो आप लोग देखना मत भूलिए, पूरा व्लॉग देखिए। ये देखो हमारी धन्नो भी शुरू तैयार, धन्नो का ड्राइवर भी तैयार। कहावा जी कान जा रहे तो कैसी लग रही हूँ जरूर जरूर बताना कमेंट करके, मैं कैसे लग रही हूँ बुरखा पहन के, प्लीज गाइस आप लोग जरूर बताना मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ गाइस मैं कैसा दिख रहा हूँ वो भी बोलो, तुम लगाई के लिए बोलो, वहाँ पे मतलब हम लोग थोड़ा रास्ते में थे और वहाँ पर ही चिकन मिलता था और जब फिर को बोली ये सर तो नहीं वो सर तो सही है बोला तो पलटा लिए, मैं थोड़ा दूर के बाद आने बाद पूछी चिकन कहाँ से लेते हो, तो वहाँ से जो है ना था चिकन तो वहाँ ले के पलटा नहीं सकते थे, मैं तो उनको आप ही पलटा बोल के बोली गई आपकी बात सारा जो आप बोलो जी थोड़ी हो जो मेरी बीवी है ना, अच्छा जो मेरी बीवी बोलेंगी मैं वो करूँगा। नहीं लगती है किसी ने हमको बोला कि वजिंग बोर्ड पर लगती है और वजिंग बोर्ड यहाँ से बहुत दूर है, तब तक मुझे रेसिपी डालने में देर हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर रास्ते में जो जो मिला वो ले ले गाइस, चलिए मिलते हैं देर से। क्या है शबीर में थैली लाए बाद में भी पूरा लोगों को दिखना दावत कर रहे हैं शबीर वहाँ चिकन ले रहे गाइस और मैं यहाँ खड़ी हूँ और बैठ गए हैं, तो आज की स्पेशल रेसिपी है हलीम, हम हलीम बना रहे हैं, हम लोग हलीम बना रहे गाइस क्योंकि हमारे व्यू ने मतलब कमेंट किया था कि हलीम की रेसिपी शेयर करो, तो वही हम शेयर कर रहे हैं, तो हमारे व्यूज की फरमाइश हम ना करें तो कोई नहीं सकता, तो मैं आज बना रही हूँ हलीम, तो हम लोग इसलिए बाहर गए थे हलीम का सौदा लाने के लिए ही क्योंकि थोड़े बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं थे जैसे कि दालचीनी कबाब चीनी ये सब कुछ हलीम में डालने के लिए ज़रूरी होते, दालचीनी थी जयपाल जावेदी ऐसे सब कुछ रहता है गाइस जो नहीं था घर में अवेलेबल, तो अभी मैं वो भी लाने गई थी और घर का थोड़ा वेजिटेबल्स तरकारी वगैरह भी लाने गई थी, तैयारी लगे हुए हैं। देखिए अम्मी काट रहे हैं पुदीना को भी तोड़ रहे हैं और मैं काट रही हूँ प्याज, तो मिलते हैं हम लोग शेयर करने के टाइम पे गाइस। तो ये देखिए गाइस मैंने एक कटोरा ये लिया है, पूरा कटोरा भर के भी नहीं है थोड़ा कम है कटोरे से हुँ? तो ये है गेहूं का रवा, तो मैंने ये ले लिया है, फिर मैं लूंगी ये दाल जो बस दो मुट्ठी है ज्यादा नहीं है, तुवर की दाल दो मुट्ठी, माश की दाल दो मुट्ठी, मसूर की दाल दो मुट्ठी, बता। तो देखिए गाइस अभी इसको हम अच्छे से धो लेंगे, धोने के बाद इसको गलाने चढ़ा देंगे, इसी में हम काजू भी डाल देंगे गाइस, ये देखिए इसी में हम काजू भी डालकर इसको गलाने के लिए अच्छे से रख देंगे। तो गाइस इसमें चावल भी लगते हैं, चावल मैंने अलग भिगा दिए थे, अभी ये चावल भी उसमें मैं ऐड कर दूंगी, ये देखिए अभी फिर से कुकर में चावल चढ़ा देंगे। तो गाइस ये आधा किलो गोश्त मैंने ले लिया है और हम लोग को हड्डी के साथ ही मिल गया क्योंकि मैं पूरा घर का सालन बनाने का गोश्त भी एक साथ लाई थी, तो पूरा एक साथ लाने से हड्डी का ही मिल गया, ज़्यादा टाइम भी हो गया है ना गाइस इसलिए मैं जल्दी जल्दी ला ली। अभी हम लोग को मतलब गोश्त चढ़ाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैं बताती हूँ, आइए शबीर लगे यहाँ पर। तो हम लोग को लगेगा कुतमी पुदीना, ये जो काजू आधे हमने रखे थे ये भी इसमें जाएंगे और ये जब तलेंगे तब यूज़ होंगे, तो लाल मिर्ची नमक हल्दी अदरक लहसुन
और जायफल, जावित्री का फूल, इलायची, शाजीरा और ये पट्टा जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, और ये कबाब चीनी भी लगेगी पर अभी नहीं, बघारने के टाइम, और ये लौंग। तो चलिए हम लोग इसमें डालते हुए सब, पहले जाएगा अदरक लहसुन, कैसे डालिए अदरक लहसुन ज़्यादा ज़्यादा ही डालिए, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ आधा किलो गोश में। ये देखिए मैंने इतना अदरक लहसुन डाला है, अच्छा जो मेरे हाथ में भर रहा है। उसके बाद पुदीना ज़्यादा डालिए गाइस, क्योंकि टेस्ट अच्छा आएगा, कोथमीर पुदीना और हरी मिर्च की है ये। इसी में हम ये काजू भी डाल लेंगे, काजू दोनों में भी डालना चाहिए गाइस, क्योंकि टेस्ट अलग आता है दोनों में डालने से। तो 1 चम्मच इसमें जाएगी हल्दी, 2-3 चम्मच जाएंगे नमक के, ये देखिए, और ये जाएंगे 2 चम्मच लाल मिर्ची के, क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है। तो बस लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी है गाइस, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल शब्दी का नींबू खुल गया लाना, है ना, तो जैसे मैं ब्लॉग रोकती हूँ आप जाके लेकर आ जाओ शब्दी नींबू, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ इसमें डाल लिया है, अभी इसमें मैं डालूंगी ये देखिए जायफल का, ये देखिए बस इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा रहता है इसलिए ये डालते हैं। ये डाल लेंगे, ये थोड़ी सी लौंग डाल लेंगे, ये देखिए, ये देखिए इतनी लौंग है, ये देखिए इलायची और थोड़ी सी लौंग डाल दो, शाही जीरा भी डाल दीजिए और ये पट्टा, इतना सा पट्टा डालिए। बस इसको अच्छे से 1.5 गिलास पानी डाल के चढ़ाए होगा, तो ये हमारा 2 गिलास का है, तो मैं ये डाल दूंगी, ये देखिए 2 गिलास पानी, पानी निकल जाता है, इसको सेपरेट दूसरे में कर लेना। तो ठीक है गाइस, चले पानी ज़्यादा डाल देना तो हम लोगों को पानी ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसमें डाल देना। लाइन चेंज, शिफ्टिंग चेंज, घर चेंज हो गया, क्या है जी, इसमें मिला दी पूरा, हाँ। सालन पका दी, हाँ। तो देखिए गाइस पूरा मैंने इसमें डाल लिया है, और अभी तो गाइस मैंने ये सब कुछ मिला दिया है, और आज देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक टास्क जैसा है, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत कम है, और इतने टाइम में हमें ये बनना चाहिए जल्दी जल्दी रोजे तक, तो देखते हैं हम इस चैलेंज में जीतते हैं या नहीं। चलिए मैं कुकर लगा के रख देती हूँ, चार चमचे मैंने तेल के डाले हैं गाइस, ये देखिए हमारा ये है छटाक, छटाक का ही है ना, नहीं मालूम मेरे, ये शायद छटाक होगा, तुम भी छटाक के होते इस उपाय बोलते थे, मैं भी छटाक बोलते थे। तो ये 4 चम्मच मैंने डाले हैं गाइस, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, इसमें तेल ज्यादा ही होना चाहिए। मैं एक मेरे को अंगूठा तोड़ने की ड्यूटी दी उस्ताद, चार आने की ड्यूटी, मारने का मत जी, अम्मी मारती है ना, अम्मी सुने ना, मारते हैं तो पकड़ के, मेरे बच्चे को मार रहे तो है बोलते, कौन ना अम्मी, हाँ सुने ना, मेरे बच्चे को मार दे तो घर में भी मारते चुना, इससे पहले बोले थे बच्चे को मार दे तो खा लिया था, हाथ लगाई, अब देखो अब घर में भी मारते चुके, अरे नहीं जी नानी, हाथ लगाई खा ली बोलो तो नहीं, तो मारते ज, तो मारते ज बच्चे को, क्या भी बोलो भोचा नानी, हाँ सब मेरे तरह से, को हम रहते इसलिए हम नानमी के साथ अच्छे रहते, इसलिए हम आज लोसते साथ नानमी को बाजिक बैठ के करते कि। तो गाइस प्याज तलने के लिए मैं अब रख रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया एक घी। तो ये देखिए गाइस मेरा चिकन भी बनके तैयार हो चुका है, तो ये जो सारा तेल है ना गाइस, इसको अलग से निकाल ले, थोड़ा सा उसमें का पानी भी निकाल ले,
थोड़ा सा इसमें से पानी भी निकाल ले, चाहे तो आप ग्राइंडर कर सकते हो। मैं अभी ग्राइंडर कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से उसे घोट लें, अलग से नहीं घोटे, इसमें डाल कर घोटे। ये देखिए ये बन चुका है हमारा। ये देखिए इसमें मैंने दो बार सीटी लगाई है, दाल और रवा, दालें और रवा जब मैंने डाला था ना तो दो बार सीटी लगाई, फिर उसके बाद मैंने चावल और काली मिर्ची डाल के फिर सीटी लगाई। गाइस अभी ये इस तरह से गल चुका है और ये दाग बहुत लगता है गाइस, तो देखना, देखते हुए करना आप सब, दाग जल्दी लगता है। ये क्या है? तो यहाँ पर काजू तले जा रहे हैं। देख के बाद में इसी तेल का यूज करना गाइस, क्योंकि बगाड़ना भी है हमको। तो बगाड़ने के टाइम आप क्या कीजिए, इसी तेल को इससे बगाड़ दीजिए। इस तरह से मैंने सारा तेल सेपरेट कर लिया, तेल और थोड़ा पानी भी है इसमें, और इसमें डाल दिया है हमारा चिकन और जो हमारे दालें गली हुई थी सब कुछ इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक नींबू, नींबू डालने के बाद घोटूंगी, घोटने के बाद इसमें दही डालूंगी। तो यम्मा बेटी में दोनों में हो रही जंग घोटम घाटी। इसको घोट रहे गाइस, क्योंकि अगर हम लोग जार में डालेंगे ना, मैं सोची थी जार में डाल देंगे जल्दी हो जाएगा, पर घोट बहुत बारीक हो जाएगा, नस नस नहीं रहेगा इसलिए। तो गाइस ये देखिए ये घोट दिए हम लोग, देखिए किस तरह से है। और अभी इसमें चढ़ा दिए है तेल, अभी ये तेल में तेल गर्म हो गया है गाइस। अभी इसको इस पे थोड़ी देर तक पकाना है और उसमें डालना है ये ढेर सारे कबाब चीनी। ये देखिए गाइस बहुत उससे टेस्ट आएगा, कबाब चीनी, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची और ढेर सारा शाहजीरा। अभी इसको चलाते रहना है अपन को। हेलो देखे भगोना गिर गया। अभी इसमें ना ये धोकर थोड़ा पानी डाल लीजिए गाइस, मतलब ये वाला धोकर इसमें जितना भी पानी आया इसमें डाल दीजिए और थोड़ा गाढ़ा होने तक उसको पकाते रहिए। देखो इतनी प्याज लियो गाइस, अच्छे से इसको चूल क्रश करके डालो, टेस्ट अच्छा आता है उसमें। अच्छे से इसको पकाते रहो गाइस, और जब ये पूरी तरह से गाढ़ी हो जाए और अच्छी दिखने लगे आपको, मतलब हाँ ये हो गई है जब ऐसा दिखने लगे, तो उस पर कोथमीर पुदीना नींबू डाल के और थोड़ी देर चला के बस बंद कर दो और सर्व करने के लिए हमारी हलीम तैयार हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको देखते हैं, अगर इसको हलाने का दिखाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। तो अभी 6 बज रहे हैं, तो जब तक रोजे का टाइम है तब तक ये हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर किसी को देना भी है हमको। चलिए मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए जो सालन से मैंने निकाला था तेल और थोड़ा पानी सालन का, सो ये इसके ऊपर ऐसे डाल लेंगे। हलीम हमने कटोरे में निकाल ली है पुदीने से। सर बिछ चुका है और सरन भी हो रहा है, आप अपना स्काफ सही कीजिए। हाँ और स्काफ सही करो। ये देखिए हमारी हरीश 10 रुपए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो खाने के बाद बताएंगे, बच्चे भी बताएंगे और शबीर भी बताएंगे कि कैसी बनी है। और वैसे हो रहा है सरन, तो मैं जाती हूँ वजू बनाने, तब तक मिलते हैं आपसे बाद में। फिर खा के बताओ कैसी है, मुंह से बोलो जी। एक्सप्रेशन फॉर रे काली, कैसी है बेटे? लुकिंग लाइक अ वाउ, हाउ इज द टेस्ट? कैसी दिख रही है अनम? अनम कैसी बनी? अच्छा अनम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हलीम इतनी अच्छी बनी है, मैं खुद बोल रही हूँ गाइस क्योंकि बहुत मजे की बनी है।
हर बार की तरह हलीम आज भी मजे की बनी है। अम्मी को इतनी पसंद आई, अम्मी का मतलब अगर मैं रिएक्शन दिखा सकती ना तो आपको दिखाती हूँ। एकदम अम्मी एकदम ऐसा रिएक्शन चेंज हुआ अम्मी का। गाइस अच्छा बना करते। गाइस हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और अभी हम लोग खाना शुरू करने वाले हैं, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। बिस्मिल्लाह कर बनाया है चिकन का, रेड चिकन का सालन, ये देखिए। रेड चिकन का सालन बनाया है और सादा खाना बनाया है ताकि। मैं अभी जा रही हूँ दीदी के पास क्योंकि मुझे बच्चियों की बहुत याद आ रही है। सो मैं जल्दी मतलब नहीं निकली क्योंकि दीदी जाते हैं तरावियों को और उनके तरावियों को जाने की वजह से मुझे लेट निकलना पड़ा। और वैसे भी मेरा काम अभी ख़त्म हुआ था और मैं खाना अभी खा कर निकली हूँ। तो अभी शब्बीर कुछ सामान ले रहे हैं बच्चियों के लिए, ये देखिए बच्चियों के लिए कुछ सामान ले रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने लेते हैं हम लोग निकलते हैं गाइस यहाँ से।